हेलो हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अगर आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म करें कमेंट करके बताएं आवाज़ क्लियर है साफ है सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं कोई बात नहीं लिटिल ही है ना बाकी तो सही है समझ में ही आ रहा होगा लिटिल से कोई दिक्कत नहीं है लिटिल से इतना कोई दिक्कत नहीं है ना साफ तो समझ में आ ही रहा होगा जितने जो मैं बोल रहा हूं तो आज जैसा कि आप देख रहे हो हम जो करने वाले हैं आपके सामने हैं आई होप कल सब ने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग निपटा लिया होगा कल सभी लोगों ने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कंप्लीट कर लिया होगा पढ़ लिया होगा यस और नो कल सभी लोगों ने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कंप्लीट कर लिया जितने लोग लाइव आते जा रहे हैं प्लीज़ लाइक करते रहो सेशन यार सत्रह बीस लोग लाइव हैं और सिर्फ ग्यारह लाइक जितने लोग लाइव आते जा रहे हैं लाइक करते जाओ सेशन को हाँ तो कल सभी लोगों ने कल सभी ने अपना जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है वो कंप्लीट कर लिया होगा कल सर एग्ज़ाम था इसलिए लाइव अटेंड नहीं कर पाया ओके तो कल का तो कर लिया ना कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग सब ने कम्प्लीट तो जल्दी से शॉर्ट में करेंगे ई वायर ई ठीक है ना ई वायर ई और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग ये तीन टॉपिक आज हम फटाफट करेंगे टारगेट सवा घंटे का है घंटे सवा घंटे में से ख़त्म करना है और आपको आज ही ख़त्म करना है मैं तो पढ़ा दूंगा सवा घंटे में और आपको भी आज ही खत्म करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं एक एक आध मिनट और मैं वेट कर रहा हूँ ताकि और लोग आ जाए चलिए शुरू करते हैं आते रहेंगे जिनको आना है चलिए तो अब तक जो पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आ ही रहा होगा तो ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ई डी एम इज़ वॉट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है ना तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनी में क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनी में अगर मैं आपको बेसिक सेटअप दिखाऊं तो यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर वो वर्क पीस रखा जाता है जिसकी आपको मशीनिंग करनी है तो बेटा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर वर्क पीस है दिस इज वॉट दिस इज़ ये वर्क पीस है है ना ये टेबल पे रखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ ये यह टूल रखा हुआ है तो ये तो हो गया डब्ल्यू पी का मतलब वर्क पीस और ये हो गया आपका यहाँ पर टूल ये यह टूल यहाँ पर नेगेटिव होता है और वर्क पीस यहाँ पर पॉजिटिव होता है टूल यहाँ पर नेगेटिव होता है और वर्क पीस आपका पॉजिटिव होता है और इनके बीच में स्मॉल गैप मेंटेन करके रखा जाता है इनके बीच में स्मॉल गैप मेंटेन करके रखा जाता है और ये जो वाई होता है ये इंटर इलेक्ट्रोड गैप कहलाता है और इसकी रेंज होती है टेन माइक्रोमीटर से लेकर ट्वेंटी माइक्रोमीटर तो जो कि बहुत स्मॉल है देख रहे हैं आप इसका जो यहाँ पर आप इंटर इलेक्ट्रोड गैप देख रहे हो ये आपका पहले से 20 भी नहीं कहूंगा मैं 100 कहूंगा यहाँ पर 20 से लेकर 100 आपका 100 माइक्रोमीटर का आपका ये क्या होता है आपका ये गैप होता है ठीक है ना इसे इंटर इलेक्ट्रोड गैप अपन कहते हैं अब यहाँ पर ये जो मीडियम में जिस मीडियम के अंदर ये सामर्ज है जिस मीडियम के अंदर ये समर्ज है उस मीडियम को हम यहाँ पर कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये जो मीडियम आप यहाँ देख रहे हो ये जो आप मीडियम यहाँ पर देख रहे हो दिस मीडियम इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये क्या है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है आपका दिस इज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दिस इज डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मीडियम Dielectric मीडियम ठीक है ना डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे ये यह क्या है मीडियम है अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का अपना एक नाम होता है और जनरली यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पता है क्या यूज किया जाता है कैरोसिन यहाँ पे यूज किया जाता है कैरोसिन अब आप कहोगे कैरोसिन सर क्या होने वाला है यहाँ पर बेटा होता क्या है कि यहाँ पर स्मॉल गैप मेंटेन किया जाता है ताकि यहां बीच में क्या प्रोड्यूस हो सके स्पार्क प्रोड्यूस हो सके ठीक है स्पार्क प्रोड्यूस हो सके पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है टूल नेगेटिव होता है वर्कपीस पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो सके यहाँ पर आपका स्पार्क प्रोड्यूस हो सके उस स्पार्क की मदद से यहां पर ब्लास्ट की, का ब्लास्ट किया जाता है तो यह यह देख रहे हैं पर पर आपका यहाँ पर आपका जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपका ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये यह आपका यहां पे ये यह टूल है बेटा ये आपका ऊपर क्या है ये यह आपका यहां पे ये यह टूल है ये जो आप देख रहे हैं आप दिस इज टूल राइट दिस इज टूल ये यहां पर क्या है ये यहां पर टूल है और ये जो आप अभी यहां पे देख रहे हो ये क्या है ये वर्क पीस है, This is what? This is ठीक है ना ये आपका यहाँ पे वर्क पीस है तो यहाँ पे ये स्पार्क इस तरीके से आता है और यहाँ पर स्पार्क की वजह से आपके गैप के अंदर स्पार्क की वजह से आपके इस गैप के बीच में जो कि आपका इंटर इलेक्ट्रोड गैप था वाई और इस वाइक की रेंज मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत स्मॉल होती है टेन माइक्रोमीटर से लेके आपकी 100 माइक्रोमीटर के बीच में इसकी गैप होती है और जो मैं बहुत लार्ज करके दिखा रहा हूं ठीक है ताकि आपको यहां पे दिख सके तो आप सोच सकते हो गैप नेकेड आई से आपको क्या दिखेगा ना के बराबर दिखेगा नेकेड आई से आप देख ही नहीं पाओगे इस गैप को इतना स्मॉल गैप यहां पे होता है इस पार्क की वजह से होता क्या है यहां ब्लास्ट होता है इस पार्क की वजह से यहां पर ब्लास्ट होता है ये जो आप देख रहे हैं टूल और ये जो आप नीचे देख रहे हैं वर्कपीस इनके बीच में आपका स्पार्क की वजह से एक ब्लास्ट होता है जबरदस्त एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से यहां पर मेटल आपके टूल का वर्क पीस का तो निकलेगा ही मेटल मेल्ट होके यहाँ पे वर्कपीस का जो मेटल है वो मेल्ट और वेपराइज होके रिमूव होता है ड्यू टू ब्लास्ट एनर्जी ड्यू टू ब्लास्ट एनर्जी यहाँ पे ड्यू टू ब्लास्ट एनर्जी ड्यू टू ब्लास्ट ओके यहां पे स्पार्क की वजह से क्या हुआ ड्यू टू ड्यू टू स्पार्क देर इज अ ब्लास्ट ड्यू टू स्पार्क ड्यू टू स्पार्क स्पार्क यहां पे क्या होगा ब्लास्ट होगा ठीक है ना यहां पे ब्लास्ट होगा ब्लास्ट की वजह से आपका यहां पे ब्लास्ट की वजह से क्या होगा जो मेटल है जो मेटल है वो आपका मेल्ट एंड इवेपोरेट होगा इवेपो रेट होगा अब आप समझ सकते हो कि जो ब्लास्ट की एनर्जी है वो कितनी है कि आपका मेटल मेल्ट के साथ वेपोरेट भी हो रहा है वेपर फॉर्म में भी निकल रहा है तो बेटा तुम्हारे डाई इलेक्ट्रिक की क्या औकात वो भी तो आपका क्या हो जाएगा वेपर फॉर्म में यहां पर बन जाता है कभी कभी ठीक है ना तो आपका वर्कपीस मेटल यहां जो आप देख रहे मेल्ट हो मेल्ट होके निकला इवापोरेट होके निकला अरे ये जब आपके वर्कपीस के मेटल को मेल्ट कर सकता है तो टूल के मेटल को मेल्ट नहीं करेगा तो बेटा यहाँ टूल में से भी कुछ मटेरियल आपका मेल्ट और वेपोरेट होके निकल जाता है हालांकि टूल में से मटेरियल कम निकलता है और वर्कपीस में से जो मटेरियल आप देख रहे हो वो मेल्ट और वेपोरेट होके क्या निकलता है ज़्यादा निकलता है ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ हम चाहते हैं कि टूल का एक तरीके से अगर यहाँ मेटल निकला है तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टूल का क्या हुआ है यहां पे तो ये वियर हो गया यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो ये टूल का क्या है वियर आप लोग ये चाहते हो कि वियर आपका क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे टूल का वियर क्या होना चाहिए मिनिमम वियर यहाँ पर होना चाहिए बराबर बात मिनिमम वियर होना चाहिए अब एक बात बताइए यहाँ पर मटेरियल मटीरियल ईडीएम के अंदर क्यों निकल रहा है क्योंकि इस स्पार्क की वजह से ब्लास्ट हुआ ब्लास्ट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना और उस एनर्जी मतलब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ और टेम्परेचर की वजह से आपके वर्कपीस का मेटल मेल्ट और वेपोरेट होकर निकला एम आई राइट एम आई राइट तो टूल में से भी तो निकलेगा तो किस तरीके से टूल के इस वियर को तुम मिनिमम कर सकते हो बताओ कमेंट करके मुझे बताओ किस, कर किस तरीके से तुम इस टूल के वियर को मिनिमम कर सकते हो क्या टूल का मटेरियल स्ट्रॉन्ग ले लूं किस तरीके से तुम इस टूल के मटेरियल का टूल का वियर मिनिमम कर सकते हो क्या मैं टूल को स्ट्रॉन्ग ले लूं क्या मैं टूल हाई स्ट्रेंथ का ले लूँ हाँ बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके क्या मैं यहाँ पे टूल हाई स्ट्रेंथ का ले लूँ

हायर देन हायर देन ओके हायर देन क्या होगा हायर देन होगा हायर देन वर्क पीस हायर देन वर्कपीस वर्कपीस के मेल्टिंग टेंपरेचर से वर्कपीस के बेटा यूं बोलो कि वर्कपीस के मेल्टिंग टेंपरेचर से हायर होना चाहिए अब हायर तो कितना होगा हायर तो कितना होगा अरे जिस टेंपरेचर पे वर्कपीस मेल्ट और ये ऑपरेट हो जाता है उस टेंपरेचर से ज्यादा इसका मेल्टिंग टेंपरेचर होना चाहिए तो टूल का वियर क्या होगा मिनिमम होगा यहां पे जैसा टूल का शेप होता है मजदूर जैसा यहां पर टूल का शेप होता है वैसा ही इंप्रेशन आपका वर्कपीस के ऊपर आ जाता है मैं आपको ये दिखाता हूं देखो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि मेटल मेल्ट और इवोपोरेट होकर निकला अब मेटल मेल्ट और इवोपोरेट होकर मीडियम में आएगा तो वो सॉलिड पार्टिकल बन जाएगा तो ये देखो ये सॉलिड सॉलिड पार्टिकल बन गए ये आपके वो क्या बन गए सॉलिड सॉलिड पार्टिकल बन गए ये आपके क्या बन गए वो सॉलिड पार्टिकल बन गए जो आपके वर्कपीस और टूल में से निकले थे ये वो पार्टिकल बन गए जो वर्कपीस और टूल में से आपके निकले थे अब सॉलिड टीनी, टीनी 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 पार्टिकल ये बन चुके हैं आगे बात समझ में ये बन चुके हैं बेटा यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे ये मेटल दोबारा से आ गया कुछ ये वो मेटल है ये वो मेटल है जो वर्कपीस पीस में से निकलना चाह रहा था पर प्रेशर की वजह से ब्लास्ट के प्रेशर की वजह से ये बेचारा गड्ढे में से निकल नहीं पाया और वापस से ये यहां पर जम गया इसे हम कहते हैं रीहार्डन लेयर इसे हम कहते हैं रीहार्डन लेयर ओके इसे हम कहते हैं री हार्डन ठीक है हाड़न, री हाड़न लेयर ठीक है और थोड़ा सा जमता ही है अगर आप इसके थिकनेस की बात करोगे तो थिकनेस आपको दिखेगा ही नहीं ये थिकनेस आपको दिखेगा नहीं निखाई से ठीक है ठीक है तो ऐसे ही थोड़ा सा मटेरियल टूल में भी हल्का सा जम जाता है आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी अब मैं इसको अगर तो मैं विजुलाइज करा के बताऊं तो ये देखो ये टूल है बेटा ये यहां पे क्या है ये यहाँ पे टूल है नीचे क्या है ये है वर्कपीस ये क्या है नीचे वर्क पीस ऊपर आपके टूल के एक्सेस पर बेटा जितने लोग लाइव हो लाइक करते जाओ सेशन नहीं तो ये सेशन तुमको फायदा नहीं करेगा हाँ इस टूल की एक्सेस पर पता है क्या लगा रहता है सर्वो मोटर लगी रहती है सर्वो मोटर यहां पर लगी रहती है ठीक है ना यहाँ पे क्या लगी रहती है सर्वो मोटर लगी रहती है ये सर्वो मोटर क्या करती है बेटा ये जो सर्वो मोटर है ये आपके टूल को टूल के अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को मेंटेन करती है अरे यार जो तुमने बोला था कि टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है ड्यूरिंग मशीनिंग ये गैप कौन सा है ये गैप है ड्यूरिंग मशीनिंग ये गैप कौन सा है ये गैप है ड्यूरिंग मशीनिंग ठीक है अभी तो मशीनिंग हो ही नहीं रही है यहां मशीनिंग नहीं हो रही तो है ड्यूरिंग मशीनिंग ओके ड्यूरिंग मशीनिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग मशीनिंग ये गैप यहाँ पर होता है ड्यूरिंग मशीनिंग ये गैप यहां पर होता है मशीनिंग तो ये देखो आपका यहाँ पर ये टूल नीचे गया सर्वो मोटर की मदद से है ना और आपका डाईलैक्ट्रिक मीडियम आपको दिख ही रहा होगा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है बेटा ये डाइ मीडियम अभी मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये वाला ये क्या था केरोसिन था दिस इज केरोसिन था है ना अब इस कैरोसिन के अंदर आपका टूल और वर्क पीस के बीच में एक छोटा सा इतना सा गैप है जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है और मेटल मेल्ट और इवोपोरेट हो हो के निकल रहा है बात आई समझ में बात आई समझ में एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा यहाँ पर जैसा टूल का इंप्रेशन होता है ठीक है यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहां पर जैसा टूल का इंप्रेशन होता है ना वही इंप्रेशन ओके शेप ऑफ टूल शेप ऑफ टूल प्रोड्यूसिस शेप ऑफ टूल प्रोड्यूसिस ऑन वर्क पीस वर्क पीस ड्यूरिंग मशीनिंग ड्यूरिंग मशीनिंग मशीनिंग के दौरान जो भी टूल की शेप होती है वो आपके वर्क पीस के ऊपर आ जाती है दिखाऊ में देखो यहाँ टूल की शेप आपको दिखाता हूं यहाँ पे की जो भी शेप थी अब आप देख रहे होंगे ये वर्कपीस के ऊपर उसका इंप्रेशन आ गया ये आप देखो थोड़ा और इलाज करके दिखाता हूँ वर्कपीस के ऊपर उसका क्या आ गया इंप्रेशन आ गया सभी को नजर आ रहा है थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा होगा। पहले आपका वर्कपीस वर्क वर्क के ऊपर आ, वर्क आ गया है जैसा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन के अंदर होता था तो जितने लोग लाइव हो बेटा लाइक करते जाओ इतनी बढ़िया चीजें दिखा रहा हूं किताबों में मिलेगी तुमको ये बताओ मुझे ये तुमको ये देखने को ऐसे समझने में किताबों में मिलेगा स्टैंडर्ड बुक खरीद तो हजार दो दो तीन तीन हजार रुपए की नहीं मिलेगा तुमको ये इतनी रिसर्च एनालिसिस करके यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ही नहीं है इस तरीके की जो विजुअलाइजेशन वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी समझ में आ गया चलिए तो आपको इतना समझ में आ गया ठीक है ना अब आपको इतना समझ में आ गया तो यहां पर यहां पर थोड़ा टूल के बारे में अपन विशेष बात कर लेते हैं देखो भाई एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा आपसे यहाँ पे जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो एक बात बताओ यहाँ पे टूल और वर्क पीस यहाँ पे टूल और वर्क पीस दोनों इलेक्ट्रिकल होने चाहिए क्योंकि करंट तो तभी पास होगा ना और तभी आपकी स्पार्क बनेगी आपका टूल और वर्क पीस दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होने चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने चाहिए बात आई बेटा समझ में आपके दोनों के दोनों टूल और वर्कपीस क्या होने चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने चाहिए तभी मशीनिंग होगी अन्यथा मशीनिंग यहां पर नहीं होगी अन्यथा मशीनिंग यहां पर आपकी नहीं होगी तो यहां पे प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ ईडीएम टूल की क्या है सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट बेटा यही है कि टूल आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए टूल का मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए टूल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल आपका कंडक्टिव होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए दूसरा टूल का मेल्टिंग टेम्परेचर हायर मेल्टिंग टेम्परेचर हायर मेल्टिंग हायर मेल्टिंग टेम्परेचर हायर मेल्टिंग टेम्परेचर देन, देन देन वर्क पीस देन वर्क पीस ठीक है अगर ऐसा होगा तभी यहाँ पे वियर रेशो अच्छा होगा इसमें क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज वियर रेशो अगर ऐसा होगा तो जो वियर रेशो होता है आपका जो वियर रेशो होगा ये आपका क्या होगा ये आपका हाई होगा और हाई कैसे होगा वियर रेशो देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो वियर रेशो होता है ये होता क्या है ये जो वियर रेशो है ये जो वियर रेशो है ये होता क्या है वियर रेशो होता है मटीरियल रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस वियर रेशो होता है ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके गेट के एग्जाम में है ना मटीरियल रिमूव Material, material removed from work piece. Material removed from from work piece. Taken up from workpiece from workpiece piece, divide by material removed, divide by material removed, material removed from from tool. फ्रॉम टूल अब एक बात बताओ अगर तुम्हारे टूल का मेल्टिंग टेम्परेचर हायर होगा टूल का एम कम होगा इसलिए हाँ अगर आपका टूल का मेल्टिंग टेम्परेचर हायर होगा तो मटेरियल रिमूव फ्रॉम टूल क्या होगा कम होगा अगर ये कम होगा तो वियर रेशो क्या होगा बेटा हाई होगा तो वियर रेशो आपका हाई होना चाहिए समझ में आ गई बात वियर रेशो आपका यहाँ पर हाई होना चाहिए ये रहा वीअर रेशो का यहाँ पे क्वेश्चन इस पे गेट पे सीधा क्वेश्चन आया हुआ था अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब आप यहाँ पे मशीनिंग करते हो है ना जब आप यहाँ पे मशीनिंग करते हो जैसे आप यहाँ पे मशीनिंग कर रहे हो ये आपका ये आपका क्या है कंटेनर है और यहाँ पर आपका ये वर्क पीस है है ना और ये रखा हुआ है वर्क टेबल पे ये रखा हुआ है वर्क टेबल पे और ऊपर आपका एक टूल है ठीक है ऊपर आपका यहाँ पर एक टूल है ठीक है टूल आपका यहाँ पर ये यह नेगेटिव है ये वर्क पीस आपका पॉजिटिव है बेसिकली जब हम इसको कनेक्ट करते हैं बेसिकली जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो इसके बीच में पता है क्या लगाते हैं इसके बीच में लगाते हैं हम रिलैक्सेशन सर्किट इसके बीच में हम क्या लगाते हैं रिलैक्सेशन सर्किट तो यहाँ पे रिलैक्सेशन सर्किट किस तरीके का होता है इतना समझने की ज़रूरत नहीं है तुमको बस इतना याद रखो यहाँ पर यूज़ किया जाता है रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन सर्किट यूज किया जाता है अब ये रिलैक्सेशन सर्किट क्या करता है देखो ये रिलैक्सेशन सर्किट यस, आरसी क्या होता है एक रेजिस्टेंस लगा होता है इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है इसके अंदर लगा होता है एक रेजिस्टेंस ठीक है ना इसके अंदर लगा होता है एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर ठीक है इसके अंदर लगा होता है एक रेजिस्टेंस ठीक है और एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर ठीक है कैपेसिटर पहले हम क्या करते हैं सप्लाई वोल्टेज हम सीधा सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करते बेटा हम सीधा सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करते पहले हम सप्लाई वोल्टेज है ना जैसे यहां पे मैं सप्लाई वोल्टेज दिखा दिया यहां पे यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज भी है ठीक है ना ये सप्लाई वोल्टेज है वी वी क्या है आपका सप्लाई वोल्टेज V आपका यहां पर सप्लाई वोल्टेज है तो क्या करते हैं हम यहां पे सप्लाई वोल्टेज है हम पहले सप्लाई वोल्टेज से हम यहां पहले सप्लाई वोल्टेज से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ठीक है ना हिंदी भाषा में लिख रहा हूँ सप्लाई वोल्टेज से कैपेसिटर को कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ठीक है ना सप्लाई वोल्टेज से कैपेसिटर को क्या करते हैं चार्ज करते हैं कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ओके कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ओके कैपेसिटर को चार्ज करते हैं वीसी वोल्टेज तक वीसी वीसी वोल्ट तक वीसी वोल्ट तक समझ में आ गया जब कैपेसिटर वीसी वोल्ट कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का अपना है क्या होगा कैपेसिटेंस होगा ठीक है जिसको आप कहते हो माइक्रो

क्लोज द सर्किट ओके फिर हम सर्किट को यहाँ पर क्लोज करते हैं एंड वी सी कैपेसिटर विल डिस्चार्ज कैपेसेटर विल डिस्चार्ज यहाँ पे वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर विल डिस्चार्ज कैपेसिटर विल डिस्चार्ज बाय वी सी वोल्ट बाय वी सी वी सी वोल्ट ओके वी सी वोल्ट और ये क्या प्रोड्यूस करेगा ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और इस स्पार्क की अपनी एक एनर्जी होगी बेटा इस स्पार्क की अपनी एक एनर्जी होगी और उसी स्पार्क की एनर्जी से और उसी स्पार्क की एनर्जी से आपका यहाँ पर ब्लास्ट होता है और वो स्पार्क की एनर्जी क्या होती है उस स्पार्क की एनर्जी होती है हाफ सी वी सी स्क्वायर हाफ सी वी सी स्क्वायर समझ में आया या नहीं आया बहुत छोटी सी भाषा में बहुत शॉर्ट में मैंने एकदम हिंदी में समझा दिया है तुमको इससे शॉर्ट नहीं समझ पाओगे यहां पे जब आप चार्ज करते हो ना तो ये चार्ज रुक रुक के होता है ऐसा नहीं है कि आपका कंटिन्यूस स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर इतना जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है एक साइकिल में आई इतनी सी बात समझ में पहले मेरे को भाई सब सबके सब एक बात बताओ इतनी सी बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है इतनी सी बात यहाँ सप्लाई वोल्टेज को हम वी नॉट से लिखेंगे ये वी नॉट है

आप मुझसे क्या पूछोगे सर ये साइकिल का क्या लोचा है? हैोगे तो है। कैपेसिटर डिस्चार्ज तो होगा तो डिस्चार्जिंग टाइम होता है फिर पूरी साइकिल में एक यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं देखो यहाँ पे साइकिल टाइम क्या होता है जैसे टी आपका यहाँ पे क्या है साइकिल टाइम है यहां पे टी आपने बोला जो टी है यहां पर साइकिल टाइम है साइकिल टाइम अब ये साइकिल टाइम साइकिल टाइम ऑफ स्पार्क ऑफ स्पार्क एक स्पार्क बनने का साइकिल टाइम है और ये क्या होता है चार्जिंग टाइम चार्जिंग टाइम चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर प्लस डिस्चार्जिंग टाइम प्लस डिस्चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग टाइम ओके ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सेटअप आगे बात समझ में बेटा जो चार्जिंग टाइम होता है ना चार्जिंग टाइम जो यहां पे होता है ना यहां पे जो चार्जिंग टाइम होता है ये यह यहां पर क्या होता है डिस्चार्जिंग टाइम यहां पर ये जो चार्जिंग टाइम होता है ये बहुत स्मॉल होता है चार्जिंग टाइम भी बहुत स्मॉल होता है अगर मैं आपको बताऊं ये जो चार्जिंग टाइम है ये वैसे ही बहुत स्मॉल होता है दिस चार्जिंग टाइम पता ही कितना होता है ये मिली सेकेंड के अंदर होता है ये आपका मिली ये आपका मिली सेकेंड के अंदर होता है ये आपका किसके अंदर होता है मिली सेकेंड के अंदर होता है जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया लेट से चार्जिंग टाइम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे मैंने चार्जिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया ये मेरा टी हो गया साइकिल टाइम ये हो गया टी सी दैट इज चार्जिंग टाइम प्लस टी डी दैट इज डिस्चार्जिंग टाइम तो ये जो टी सी होता है ये टी सी आपका मैं आपको बताता हूँ ये मिली सेकेंड के अंदर होता है ये आपका मिली सेकेंड के अंदर होता है ये आपका मिली सेकेंड के, के अंदर होता है मतलब ये आपका बहुत छोटा होता है और यहाँ पर अगर आप टी सी और टी डी को कंपेयर करोगे यहाँ पे टी और टी को अगर यहाँ पे आप क्या करोगे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो टी होगा ना जो टी होगा ये काफ़ी काफ़ी बड़ा होता है टी से डिस्चार्जिंग टाइम से अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर अगर आपका चार्जिंग टाइम मिली सेकेंड में है और वही आपका डिस्चार्जिंग टाइम से बहुत बड़ा है वही अगर आपके डिस्चार्जिंग टाइम से क्या है बहुत बहुत बड़ा है तो आप ये कह सकते हो कि जो साइकिल टाइम होता है जो साइकिल टाइम होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चार्जिंग टाइम दैट मिलीसेकंड और सेकंड ओके पर साइकिल पर साइकिल बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया यस और नो जल्दी से लाइक दबाते जाओ और बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये होता है साइकिल ठीक है ये होता है यहां पर क्या साइकिल अब यहां पर मुझको ये जानना है कि भाई तुम जो ये वीसी को चार्ज करते हो ये कितने वोल्ट तक चार्ज करते हो आपने मुझसे अभी कहा सर कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो जिसका कैपेसिटर सी है आपने क्या कहा सर कैपेसिटर को सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस सी है माइक्रोफेरेट उसको आपने चार्ज किया वीसी वोल्टेज तक ठीक है उसमें रजिस्टेंस भी लगा हुआ है आर तो उसको आपने जब चार्ज किया तो कितना चार्ज हुआ कैसे पता पड़ेगा एक रिलेशन होता है इसमें एक रिलेशन होता है आपका कैपेसिटर का चार्जिंग जो चार्जिंग वोल्टेज होता है दैट इज वीसी vc ये जो होता है ये होता है v0 1 v0 1 e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस t by rc t by rc ठीक है ये इतना वोल्ट होता है यहाँ पे v0 क्या है सप्लाई वोल्टेज है 1 e टू द पावर t क्या है साइकिल टाइम अभी बताया डिवाइड बाय r क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रिलैक्सेशन सर्किट c क्या है कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है r Ohms और यहाँ पे कैपेसिटर है माइक्रोफेड के अंदर लिखते हो जिसको आप किस में लिखते हो बेटा जिसको आप यहाँ पर आपको समझ में एक कॉन्सेप्ट और होता है ना ये मैंने यहां पर समझा दिया ये तो कोई पूरा यहां पर समझा दिया एक कॉन्सेप्ट यहां पर और होता है एवरेज एनर्जी इनपुट एवरेज 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 एनर्जी एवरेज एनर्जी इनपुट मतलब ऑन एन एवरेज हर साइकिल में ऑन एन एवरेज फिजिक्स एवरेज ऑन एन एवरेज क्या है हाँ तो यहां पर आपका एवरेज एनर्जी इनपुट क्या है एने एवरेज एनर्जी इनपुट होता है कि भाई आपका हर साइकिल में आपका हर साइकिल में आपका हर साइकिल में कितना एनर्जी जा रहा है समझ में आ रहा है आपका हर साइकिल में ऑन एन एवरेज कितना एनर्जी जा रहा है तो ये आपका होता है एवरेज एनर्जी इनपुट इक्वल टू एवरेज एनर्जी इनपुट इक्वल टू वॉट स्पार्क एनर्जी दैट इज हाफ सी वी सी स्क्वायर हाफ सी वी सी स्क्वायर डिवाइड बाय यहां पर साइकिल टाइम ठीक है साइकिल टाइम अब हाफ सी वीसी स्क्वायर का यहां पे यूनिट क्या था जूल पर साइकिल जूल पर साइकिल और यहां पे साइकिल का यूनिट क्या था सेकेंड पर साइकिल सेकेंड पर साइकिल ठीक है ना सेकंड पर साइकिल साइकिल से साइकिल कट गया जूल पर सेकेंड तो ये क्या बना आपका एक तरीके से ये हाफ सी वी सी स्क्वायर डिवाइड बाय डिवाइड बाय टी ये आपका बना क्या वॉट ये आपका क्या बना जूल पर सेकेंड वॉट एवरेज एनर्जी इनपुट बोलो समझ में आ गया सबको समझ में आ गया बस इतना ही इतना ही होता है आपका जो क्वेश्चन गेट के लेवल का आएगा वो इतने ही कॉन्सेप्ट से उठेगा न्यूमेरिकल बाकी एक दो क्वेश्चन अपन करके देखते हैं जिससे आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी देखो ये क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ लगभग इसको सब कर देंगे मुझे उम्मीद है कि लगभग यहाँ पर इसको सब कर देंगे ठीक है ना मुझे उम्मीद है कि यहाँ लगभग इसको सब कर देंगे और जितने लोग लाइव है अभी भी कह रहा हूँ लाइक बटन दबाते जाओ बेटा कम से कम पचास लाइक यहाँ पर मुझे दिखने चाहिए ठीक है कम से कम पचास लाइक मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए जितने अब पचास लाइक आप कैसे भी करो आप शेयर करो सेशन को कैसे भी करो मुझे नहीं पता ठीक है चलो तो यहाँ पर सेशन के एंड में अपने सेशन को शेयर करते हो अपने ग्रुप के अंदर सेशन के एंड में इस सेशन को शेयर करते हो अपने ग्रुप के अंदर या नहीं करते हो ईमानदारी से बताना ईमानदारी से बताना क्या सेशन को सेशन के एंड में हम हाँ? शेयर करते हो ईमानदारी से बताना तो आंसर बताओ फटाफट आंसर बताओ फटाफट इसका क्या आएगा आंसर बेटा प्रोसेस रिलैक्सेशन सर्किट 10 डायमीटर थ्रू अ होल इज मेड इन अ स्टील देखो यहां भी बोला है ना अज्यूम डिस्चार्ज टाइम टू बी नेग्लिजिबल डिस्चार्ज टाइम यहाँ पर क्या होता है बहुत छोटा होता है मशीनिंग इज कैरीड अंडर फॉलोइंग कंडीशन टाइम फॉर वन साइकिल एस

ये देखो आप VC, VC कितना दे रखा है हंड्रेड एंड टेन वी नॉट कितना दे रखा है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी इन टू वन माइनस पावर माइनस टी बाय आर सी आर माइनस टी बाय माइनस टी बाय आर सी रजिस्टेंस कितना है फोर्टी है इंटू इन टू ट्वेंटी माइक्रोफेरेट मतलब टेन टू दावर माइनस सिक्स ठीक है तो यहां से आपका क्या जाएगा? Cycle time आ जाएगा साइकिल टाइम आ जाएगा एंड दैट विल बी 0.55 पॉइंट मिली सेकेंड ठीक है ना मिली सेकेंड आपका यहाँ पर साइकिल टाइम आ गया बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये क्या है पर साइकिल है ये इसका प्रॉपर यूनिट लिखो द टाइम फॉर वन साइकिल इन मिली सेकेंड दैट इज इतना मिली सेकेंड एक साइकिल में लग रहा है मेरा कॉलेज का कोई गेट ही नहीं दे रहा इसलिए कोई आता ही नहीं <laughs> कोई ना मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं आने वाले टाइम में गेट की रिक्वायरमेंट गेट की इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो रहा है ना एनर्जी के और हमारी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हम सभी लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे गेट का क्या फ्यूचर है क्या नहीं है बट फैक्ट की बात यह है कि आने वाले टाइम में बहुत रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है गेट की और गेट के थ्रू इंजीनियर्स की ठीक है चलो सर वन क्वेश्चन है आप पूछो क्या क्वेश्चन है भाई सर वन क्वेश्चन है हाँ जल्दी पूछो क्या क्वेश्चन है फिर आगे चले अपन आगे चले क्या क्वेश्चन है आ, हाँ सर यहाँ गुजरात में भी कोई गेट में ज़्यादा ध्यान नहीं देता अभी आने वाले टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाली है क्योंकि अब आप खुद देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम हो रहे हैं मैनुफैक्चरिंग बहुत बढ़ रही है अब ठीक है तो जो भी गेट की तैयारी है जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हो ना इतना डिप्रेस मत हो आने वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम होने वाला है ठीक है ये हो सकता था अच्छा टाइम बट ड्यू टू ये दो तीन साल हमारे अभी जो कोरोना के अंदर जाएंगे है ना डाइलेक्ट्रिक फ्लूड जो लेते हैं वो मशीनिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है हाँ मशीनिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है पर ज़्यादातर यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कैरोसिन ही लेते हैं Uh, बहुत कम करता है इतना नहीं करता बहुत कम करता है लाइक केरोसिन इन ई डी एम एन एस सी एल हाँ नहीं देखो बेटा एन एस सी एल तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन ही है ना और केरोसिन आप केरोसिन का एक्चुअली यूज़ करने का फंडा अलग होता है केरोसिन का यहाँ पर यूज़ करने का फंडा अलग है क्योंकि प्रोसेस दूसरी है तो यहाँ मीडियम भी चेंज होगा ना वो आपका ई सी एम था तो उसमें मीडियम अलग होगा यहाँ पे ई सी एम ई डी एम है तो मीडियम अलग होगा यहाँ पे कैरोसिन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आर्क की एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि आर्क की एनर्जी तभी कंट्रोल होगी जब उसके सामने बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की खासियत होती है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और यही वजह है यही वजह है कि वो आर्क को कंट्रोल करता है आपका जो एन बोल रहे हो उसका तो कुछ रजिस्टेंस ही नहीं है तो रजिस्टेंस कल निकाला था ना एक क्वेश्चन में पॉइंट जीरो वन टू ओम आ रहा था अरे बहुत ना के और यहाँ रजिस्टेंस देखो चालीस ओम कल तुम खुद ही तो अगर कल तुमको याद हो तो कल तुमने एन ए सी एल कल तुमने एन ए सी एल डॉट एस टू ओ एन ए सी एल डॉट एस टू ओ जो मीडियम ई सी एम में लिया था एन ए सी एल डॉट एस टू ओ

तीन हजार गुना ज्यादा है तीन हजार गुना ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पे यहाँ पे ए, अलग तरीका है क्योंकि आर्क की एनर्जी को कंट्रोल करना होता है इसलिए यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं क्योंकि डायलैक्ट्रिक मीडियम का रेजिस्टेंस हाई होता है आगे बात समझ, समझ में समझ में आ गया क्लियर है समझ में आ गया क्योंकि आर्क की एनर्जी को कंट्रोल करना होता है आर्क को कंट्रोल करना होता है दिमाग में घुसा लो समझ में आ गया दिमाग में घुसा लो जहां घुसा सकते हो वहां घुसा लो पर इसको याद रखना ठीक है इज दैट क्लियर समझ में आ गया समझ में आ गया चलो आगे चले अब अपना अगला क्वेश्चन जो है देखो यहां पे अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है एवरेज पावर इनपुट बताओ एवरेज पावर इनपुट क्या होगा एवरेज पावर इनपुट क्या होगा अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है एवरेज इनपुट पावर है ना एवरेज पावर इनपुट अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज पावर इनपुट एवरेज पावर इनपुट एवरेज पावर इनपुट एवरेज पावर जो इनपुट होता है वो हाफ सी वी सी स्क्वायर डिवाइड बाय डिवाइड बाय टी वॉट होता है अभी हमने देखा था ठीक है तो ये यहाँ पे हो गया हाफ सी सी कितना है यहाँ पे माइ सी आपका ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स ओके फेरड इंटू वी सी वन वन जीरो मिली सेकेंड होता है पावर माइनस थ्री ठीक है अब ये ऊपर जाएगा तो किलोवाट में कन्वर्ट होगा किलोवाट में कितना आ रहा है बताओ जरा जीरो पॉइंट टू वन एट आ रहा है क्या कितना आ रहा है कितना आ रहा है बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है ये हो गया टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स ओके इन वन वन जीरो स्क्वायर ये हो गया आंसर डिवाइड बाई जीरो हो गया जीरो तो तरीके के क्वेश्चन आपके गेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं ज्यादा इसमें माथापोड़ी करनी नहीं है आपका जो ये पीआई में क्वेश्चन आया हुआ था गेट में क्वेश्चन ये आया हुआ था तुम्हारे कि तुमको एवरेज पावर इनपुट दिया हुआ था तुमको कैपेसिटर का का कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस निकालना निकालना था, था, ठीक है ना? तुमको कैपेसिटर जो मैं बताया हूं इतना याद रखना। वायर ईडीएम के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में बताऊंगा बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा देखो भाई यहां पे वायर ईडीएम में क्या होता है वायर ईडीएम के अंदर अगर आपको फिगर में ध्यान से दिख रहा हो तो फिगर अगर मैं यहां पे एक फिगर और बना देता हूं यहां पर आपका एक वर्क पीस होता है ठीक है ना यहां पे मैं थ्री में देखू थ्री में कुछ है क्या मेरे पास कोशिश करता हूँ थ्री में कुछ अच्छा सा फिगर बन जाए ये देखो थ्री में ऐसे बना हुआ है ठीक है ये वर्क पीस होता है इस वर्क पीस की हम मशीनिंग करेंगे इस वर्क पीस के सामने क्या होता है एक वायर होता है ना इस वर्क पीस के सामने एक वायर होता है ऐसे ठीक है इस वर्कपीस के सामने वायर होता है और वायर ऐसे रोलर के ऊपर लगा होता है वायर ऐसे रोलर के ऊपर लगा होता है वायर ऐसे रोलर के ऊपर लगा होता है इस तरीके से रोलर के ऊपर लगा होता है ठीक है ना अब वायर और वर्क पीस के बीच में गैप होता है और यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक मीडियम फ्लो कराते हैं मेरे भाई यहाँ पर वर्कपीस और आपके वायर के बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम फ्लो कराते हैं वो होता है आपका डी आयोनाइज वाटर वो होता है आपका डी आयोनाइज वाटर वो होता है आपका डी आयोनाइज वाटर डी आयोनाइज वाटर ठीक है यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्या है ये आपका डी आयोनाइज वाटर है दिस इज डी आयोनाइज वाटर क्या है ये डी आयोनाइ वाटर है ठीक है डी आयोनाइज वाटर है और अब यहां पर अब यहां पर आपका ये वायर आपका क्या होगा नेगेटिव होगा आपका यहां भी वर्क पीस क्या होगा पॉजिटिव होगा और आपके यहां पर इस डीआईनाइज वा, इस, वाटर में क्या प्रोड्यूस होगी स्पार्क प्रोड्यूस होगी स्पार्क प्रोड्यूस होगी और वर्क पीस आपका वैसे ही वर्क पीस आपका वैसे ही मेल्ट और एवपरेट होकर कटेगा समझ में आया अब मैं अगर इसको आपको टॉप व्यू दिखाऊं ये तो मैंने एकदम आपको दिखाया अब इसका टॉप व्यू देखो इसका आप यहां से टॉप व्यू देखो बढ़िया यहां पे आप इसका ये देखो टॉप व्यू देखो ये टॉप व्यू ठीक है मैं इस वाले व्यू की बात कर रहा हूं मैं इस वाले व्यू की यहां पर बात कर रहा हूं किस वाले व्यू की बात कर रहा हूं ये है टॉप व्यू दिस इज द टॉप व्यू ठीक है ना ये टॉप व्यू है दिस इज टॉप व्यू यहां पे अगर ऊपर से देखोगे तो बेटा वायर तुमको ऐसे डॉट की तरह नजर आएगा ये वायर तुमको डॉट की तरह नजर आएगा यहां पे इस वायर को तुमको घुमाना है जिस भी प्रोफाइल में वर्क पीस को कट करना है उस प्रोफाइल में तुम वायर को घुमाओ ठीक है अगर तुम वायर को ऐसे गोल गोल घुमाओगे अगर तुम वायर को ऐसे यहां पर क्या घुमाओगे से तुमने यहां वायर को कैसे घुमाया तुमने वायर को गोल घुमाया तुमने वायर को ऐसे गोल घुमाया है ना ये वायर अंदर आया ये जो वायर है ये जो आपका यहां पर वायर है ये आपका ये देखो ये वायर आपका यहां पे अंदर आएगा मूव करता हुआ ठीक है ना ये वायर आपका यहाँ पर अंदर आया ऐसे मूव करता हुआ ठीक है ये वायर आपका ऐसे अंदर आया मूव करता हुआ और फिर ये वायर क्या किया ये वायर ऐसे ना चारों तरफ घूमेगा चारों तरफ घूमा चारों तरफ घूमा तो आपका वर्कपीस सर्कुलर कट के आ जाएगा वर्कपीस के अंदर से समझ रहे हैं आपका जो वर्कपीस है वो आपका सर्कुलर कट के आ जाएगा वो जो आपका यहां पे ये यह वर्कपीस है वो सर्कुलर कट के आ जाएगा इस तरीके से ये आप देख रहे हैं ये आपका ऐसे सर्कुलर वर्कपीस कट के आ जाएगा इस वर्क पीस में से थ्रू आउट द लेंथ बोलो बोलो समझ में के नहीं बोलो, समझ में में आई आई नहीं बात बात दें वायर घूमेगा यहां पर ऐसे ठीक है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर आपका कंटिन्यूस मूविंग कंडक्टिंग वायर ये वायर का मटेरियल याद रखना है या तो ब्रास का होगा या टंगस्टन का होगा या कॉपर का टंगस्टन ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि क्योंकि वायर को यहां ढीला नहीं छोड़ सकते वायर के अंदर टेंशन होती है बेटा यहां वायर के अंदर टेंशन रहती है खिंचा हुआ रहता है ऊपर से इसमें स्पार्क भी प्रोड्यूस हो रही है तो वायर स्ट्रांग वायर स्ट्रेंथ में भी स्ट्रांग होना चाहिए और टेंपरेचर में भी स्ट्रांग होना चाहिए इसलिए ज्यादातर प्रेफरेबल वायर होता है यहां पर टंगस्टन का आ गई बात समझ में तो इस तरीके से आपका ये वर्क पीस है आप देख रहे हो यहाँ पे ये यह वायर है और ये जो आप प्रकाश रूपी एक छाया देख रहे हो ये बेसिकली स्पार्क है अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है जो चमक रहा होगा ना यहाँ पे ये यह। यहाँ पे बेसिकली अंदर से क्या जा रहा है एक वायर जा रहा है यहाँ पे बेसिकली अंदर से क्या जा रहा है एक ऐसा वायर जा रहा है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये यह वायर है यहाँ पे वायर और इसके चारों तरफ आपका क्या चारों तरफ स्पार्क प्रोड्यूस हुआ अभी घूमेगा जिस भी शेप में तुम घुमाना चाहते हो जैसे देखो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक फिगर और दिखाते हैं ई डी एम ये देखो ये यह देखो, यह देखो, यह देखो। यहाँ पर इस तरीके से आप चाहते हो कि मेरे को ऐसा वर्क पीस कट करना है आप चाहते हो मुझे इस वर्क पीस में से ऐसा शेप कट करना है तो वायर आपका ऐसे ऐसे घूमेगा वायर आपका अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे ऐसे कट करके निकालेगा आ गई बात समझ में तो यहां पर आप कैसे भी शेप का आराम से शेप बना सकते हो यहां पे यहां पे ये यह जो प्रोसेस है वायर ईडीएम जो प्रोसेस है ज़्यादातर यूज़ की जाती है आपके गियर बनाने के लिए इंटरनल टाइप का गियर बना लो एक्सटर्नल टाइप का गियर बना लो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल गियर बनाने के लिए ये प्रोसेस क्या की जाती है ज़्यादातर यूज़ की जाती है इस पर गेयर बनाने के लिए ज़्यादातर इसको क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है

वो आपका एक या दो दिन चलेगा दो, दो या तीन दिन चलेगा दो तीन दिन चलेगा और उसमें पचास क्वेश्चन कराऊंगा डेली चार चार घंटे क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो वहां पे भी तो कुछ उसके लिए भी तो कुछ छोड़ो सारे कुछ यहां करा दूंगा और फिर वहां क्या करूंगा है ना तो यहां कुछ करा दिया फिर वापस में पचास क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा आपको तो उसमें आपको एकदम तो मजा आ जाएगा क्लियर है तब तक तो आप खुद से प्रैक्टिस करो जिससे आप उस सेशन को इंजॉय कर सको लास्ट आज का टॉपिक का नाम आता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग बेटा अभी भी दो कम है कल के कम से कम कल का रिकॉर्ड तो मेंटेन करो 38 एट लाइक हैं कम से कम 40 तो करो मैं तो 50 उम्मीद कर रहा था 50 50 मतलब हाफ सेंचुरी बन कभी बनवाते ही नहीं हो तुम मेरी है ना मेरी हाफ सेंचुरी बनवाते ही नहीं हो भाई इसका मतलब तो यही है कि मैं तो खराब पढ़ाता हूँ है कि नहीं है इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में कमी है क्यों बताओ यस और नो कहीं ना कहीं तो फिर हमारे पढ़ाने में ही कमी है इसी वजह से यहाँ पे हमारी हाफ सेंचुरी कभी लगती ही नहीं है क्यों है बताओ भाई इसका मतलब तो हमारे पढ़ाने में कहीं ना कहीं क्या है कमी है इसलिए हमारी हाफ सेंचुरी कभी लगती ही नहीं है अरे कहने से क्या होता है यहाँ दिखना भी तो चाहिए जैसे यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है मेरे बोलने से कुछ भी होगा पर बोर्ड पर लिखना दिखना भी तो चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है चलो अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग में क्या होता है देखो बहुत दो पाँच मिनट लूंगा इस टॉपिक के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर पाँच मिनट लूंगा और पाँच मिनट में इसको खत्म करेंगे ठीक है पाँच मिनट में इसको खत्म करेंगे देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग होती है सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग में क्या होता है मैं आपको यहाँ पे फिगर बनाता हूँ उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे कंटेनर होता है जैसे आप देख रहे हो ये कंटेनर है और इसके ऊपर आपका वर्क पीस रखा हुआ है एज़ यूजल आपका ये वर्क पीस रखा हुआ है इसके नीचे आपकी ये वर्क टेबल रखी हुई है है ना ये यह आपकी यहाँ पे क्या रखी हुई है वर्क टेबल रखी हुई है ये पूरा जो सेटअप है आपका सम्मर्ज है डाई मीडियम के अंदर ये आपका पूरा जो सेटअप है समझ है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये देखो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये पूरा सेटअप आपका क्या है यहाँ पर समझ है क्लियर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये पूरा जो सेटअप है आपका समझ है ये देखिए आप ये आपका कंटेनर ये आपका कंटेनर है ना ये पूरा कंटेनर बढ़िया सा दिख रहा होगा और इस ये पूरा जो सेटअप है आपका आपका इस तरीके से ये डाईलैक्ट्रिक मीडियम है ठीक है ये यहाँ पे अगेन डाई मीडियम आ गया हो गया ये medium. अब यह डाइल मीडियम अब यहाँ पर क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रिक व्हील होता है एक व्हील होता है ठीक है ना आपका यहाँ पर एक व्हील होता है ये देखिए आपका ये व्हील है ठीक है ये एक रोटेटिंग व्हील है ये आपका एक रोटेटिंग व्हील है सर्वो मोटर के द्वारा इसके रोटेशन को कंट्रोल किया जाता है सर्वो मोटर के द्वारा इसके रोटेशन को क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है भाई ये आपका रोटेट हो रहा होगा यह आपका इस तरीके से यहाँ पर रोटेट हो रहा होगा ये देखिए आप, आपका ये रहा ये व्हील जो कि आपका यहाँ पर रोटेट हो रहा है सर्वो मोटर के द्वारा इस व्हील के मोशन को है ना सर्वो मोटर के थ्रू यहाँ पर सर्वो मोटर लगी रहती है व्हील पर ठीक है ना सर्वो मोटर लगी रहती है व्हील की एक्सेस पे जो कि इसके मोशन को कंट्रोल रखती है अब आप देख रहे हो व्हील और वर्कपीस के बीच में गैप है ये जो व्हील होता है ये व्हील बेसिकली ग्रेफाइट का होता है ये व्हील जो है ये आपका किसका है ये आपका व्हील ग्रेफाइट का है इस बात को भी ध्यान रखना कि ये ग्रेफाइट का ज्यादा ये अधिकतर ग्रेफाइट का ही होता है ये ग्रेफाइट का आपका व्हील है ठीक है ग्रेफाइट का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है ये भी मैं आपको बता दूं वेरी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वेरी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वेरी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ठीक है ना मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ही हाई मेल्टिंग टेम्परेचर इसका यहां पर होता है अब देखो जब ये व्हील का पेरीफेरी वर्कपीस के यहां पे व्हील वही हो नेगेटिव होगा और यहां पे वर्कपीस वही आपका पॉजिटिव होगा जब व्हील का पेरिफेरी वर्कपीस के जब व्हील का पेरिफेरी थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं बेटा ये देखो बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं जब व्हील का पेरिफेरी जब व्हील की पेरिफेरी वर्कपीस के नियरर आती है तो यहां पर आपका ये स्पार्क प्रोड्यूस करती है और स्पार्क की वजह से उसी तरीके से मशीनिंग होती है जैसा आपने ईडीएम में पढ़ा था कैसे होती है मेटल मेल्ट होता है फिर मेटल इवापोरेट होता है मेल्ट और एवॉपोरेट होके यहां सरफेस से मेटल निकलता है मेल्ट और होके यहाँ सरफेस से मेटल निकलता है यहां व्हील से मेटल बहुत ही ना के बराबर निकलेगा क्योंकि व्हील का मेटल यहां व्हील का मटेरियल यहां पर ग्रेफाइट है अब होगा क्या यहां ये व्हील यह रोटेट कर रहा है तो ये व्हील की पैरिफेरी अब यहां जा चुकी है और ये वाली जो पैरफेरी का पॉइंट है वो यहां आ चुका है जैसे ही यह ये पॉइंट यहां आएगा फिर स्पार्क प्रोड्यूस करेगा ये यह स्पार्क प्रोड्यूस करता है समझ रहे हैं आप यहां व्हील का हर एक पॉइंट जैसे जैसे वर्कपीस के नियरर आएगा व्हील का एक पॉइंट जैसे जैसे वर्कपीस के नियरर आएगा उसका हर एक पॉइंट यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करेगा मतलब यहाँ कंटिन्यूस मेल्टिंग और आपका इवोपरेशन होता रहेगा मेटल का बोलो समझ में आई बोलो समझ में आई यहाँ पे बात यस और नो तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी स्पार्क प्रोड्यूस होती है यहाँ पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी यहां पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी स्पार्क प्रोड्यूस होती है हाई फ्रीक्वेंसी स्पार्क का मतलब क्या हुआ पर सेकंड कितनी स्पार्क बनी यहां पर सेकंड नंबर ऑफ स्पार्क क्या बनती है EDM के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बनती है बहुत ज्यादा बनती है समझ में आ गया ये तो ये ही है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग इसलिए नहीं बोला जा रहा कि ग्राइंडिंग हो रही है ग्राइंडिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पे जो व्हील है वो ग्राइंडिंग जैसा है दिखने में इसलिए बोला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग आ उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा बाकी मैं यहां पे बता दूं अब आपको यहां पे कॉमन चीज यहां पे कुछ पॉइंट्स वापस से से रीड कर देता हूं देखो सिमिलर सिमिलर है आपका ईडीएम ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग टू एक्सेप्ट यहां इलेक्ट्रोड टूल की जगह इलेक्ट्रोड या टूल की जगह यहां पे एक रोटेटिंग व्हील होता है ग्रेफाइट का मेटल रिमूव होता है यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्क से ठीक है यहां पर आपका गैप मेंटेन किया जाता है व्हील यहां पर व्हील यहां पर जो गैप है यहां पे इस व्हील के बीच में यहां पर जो इस व्हील और वर्कपीस के बीच में जो गैप है इसको मेंटेन किया जाता है एक मशीन के द्वारा जिसका नाम क्या है सर्वो मोटर इसका नाम है सर्वो मोटर जो कि इस गैप को क्या करती है मेंटेन करती है बोलिए समझ में आ गया जो इस गैप को क्या करती है मेंटेन करती है

स्मॉल क्रेटर्स भी बनते हैं स्मॉल क्रेटर्स स्मॉल वेरी स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि आप जो कि आप यहां आई से नहीं देख सकते अब एक बात बताओ तुमने यहां पे मशीनिंग करी है ना ये तुम्हारा वर्कपीस था ये तुम्हारा टूल था टूल का इंप्रेशन तुम्हारे वर्कपीस के ऊपर आया यहां मशीनिंग हो रही है और यहां पे आप देख रहे हो कि टूल का इंप्रेशन केर्कपीस पे आया अब इस वर्कपीस किस प्रोफाइल पे यहाँ वर्कपीस की सरफेस पे समझ रहा मेरी बात को यहां पर वर्कपीस की जो ये सरफेस देख रहे हो इस सरफेस पे तुमको क्रेटर दिखेंगे बताओ क्या इस सरफेस पे तुम नेकेड आई से क्रेटर देख पाओगे यहां नेकेड आई से क्रेटर आप नहीं देख पाओगे जैसे ये आपकी सरफेस है क्या यहाँ क्रेटर देख पाओगे नहीं ये नेकेड आई से क्रेटर नहीं दिखते बहुत 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 स्मॉल क्रेटर यहाँ पर बनते हैं ठीक है सरफेस के ऊपर आपकी जो शेप बन रही है इन शेप्स के ऊपर बहुत ही स्मॉल नैनो नैनो क्रिएटर यहां पर बनते हैं बोलिए साहब समझ में आया के नहीं आया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग समझ में आई या नहीं आई जल्दी से मुझे बताओ कोई डाउट हो तो पूछो नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं है ना नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं कोई डाउट हो तो पूछो ये देख रहे हो ये है डायलैक्ट्रिक मीडियम ये डायलैक्ट्रिक मीडियम है ठीक है ये डायलैक्ट्रिक मीडियम है तो यही था आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनें ठीक है बाकी रहे ये नोट्स ये नोट्स अभी सेव कर दिए जाएंगे अगर कुछ यहाँ लिखना है तो मैं लिखूँ और फिर उसको सेव करूँ और सेव करके तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँ ठीक है तो मैं टेलिग... इसको सेव कर देता हूँ और अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर देता हूं ठीक है अब कुछ लिखना नहीं है इसके अंदर तो ये गया किया मैंने शेयर अब तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में आने वाला है प्रोडक्शन का आज कौन सा लेक्चर है सातवां लेक्चर है लेक्चर नंबर सेवन ठीक है तो ये लेक्चर नंबर सेवन ये हो गया इधर सेव और यहां से मैंने कर दिया तुम्हारे ग्रुप के अंदर शेयर ये ये गया कॉपी लिंक कहाँ गया तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप ये रहा तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में कर दिया बेटा मैंने शेयर देख लो टेलीग्राम ग्रुप में एक बार आ गया ना टेलीग्राम ग्रुप चेक करो सारे के सारे सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप चेक करो आ गया टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसमें आ गया है नोट्स आ गया जल्दी से शेयर यहाँ पे मुझे कंफर्म करो ताकि फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड करें यस टेलीग्राम आईडी सर बेटा टेलीग्राम आईडी आप सर्च कर लो यहाँ से कोई क्या मेरी टेलीग्राम आईडी डी यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर कर सकता है जो भी लाइव है क्या कोई मेरी टेलीग्राम आईडी डी यूट्यूब पर इधर शेयर कर सकता है मैं अपने टेक्निक अपने टेक्नीशियन को भी बोलूँगा कि प्लीज़ मेरा यहाँ पे टेलीग्राम आईडी शेयर करो और आप सभी बच्चों से भी बोलूँगा कि एक बार आप में से कोई भी एक मेरी टेलीग्राम आईडी डी यहाँ पर शेयर कर दे ताकि जिन भी लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप वो कर लें और वहाँ से अपने नोट्स ले लें ठीक है तो जल्दी से यहाँ पर शेयर कर दीजिए कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर ज़रा सेशन को वो वो कर सेशन की वो लिंक शेयर कर दे एनी बड़ी मैं अभी देख रहा हूँ देखिए आया क्या मैंने किया है टेलीग्राम लिंक मैंने किया है शेयर हाँ टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम लिंक ग्रुप पे शेयर कर दो वैसे मैंने किया है आया हो तो बताइएगा मैंने किया तो है शेयर मैंने किया तो है शेयर यहाँ पर आया क्या ग्रुप पर ये कमेंट बॉक्स में दिखा क्या कमेंट बॉक्स में दिखा क्या जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में दिखा क्या टेलीग्राम लिंक ज्वाइन टेलीग्राम लिंक एक बार कोई शेयर कर दो मैं बोलता हूँ वैसे जो भी सेशन को देख रहा हो टेक्नीशियन प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को शेयर करना फ़ोर्टी एट है बेटा दो दो और कम है फिफ्टी में 48 एट लाइक्स कम से कम फिफ्टी में दो और कम है तो जिन भी लोगों ने लाइन जिन भी लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें कम से कम पचास तो हो जाए माय मैसेज मेरा भी मैसेज यहाँ दिख नहीं रहा है मैं एक बार यहाँ पर टेक्निकल टीम को बोलता हूँ कि वो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक को शो कर देंगे विजिबल हाँ मैं करवा रहा हूँ मैं टेक्नीशियन को बोल के करवाता हूँ तो दो मिनट वेट करिए दो मिनट वेट करिए मैं करवाता हूँ आप प्लीज़ थोड़ा धैर्य बनाए रखें सर दो तीन बार लिंक शेयर किए बट हाँ वो मेरे मेरा भी यही इशू हो रहा है मैं भी कर रहा हूँ ना तो मेरा भी मैसेज नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार टेक्निकल ग्रुप को बोलता हूँ वो शेयर कर देंगे मेरा टेलीग्राम लिंक और फिर यहाँ पर आ जाएगा हेलो uh, यार मेरा टेलीग्राम लिंक एक बार शेयर कर दो मेरे चैट इसमें चैट बॉक्स में, में. है ना ठीक दो तीन बार कर देना है ना जी चलिए तो मैंने बोल दिया है तो अभी आ जाएगा आपको टेलीग्राम लिंक और बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछे बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है एनी बडी एनी डाउट तो अपना देखो मेन मेन हो चुका है ना जैसे अनकन्वेंशनल में मेन तीन प्रोसेस होती हैं बाकी मैं कल कल मैं कल वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा कल वाले लेक्चर में जो रिमेनिंग है ना कल वाले लेक्चर में जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के छोटे छोटे प्रोसेस बचे हैं जैसे वाटर जेट मशीनिंग वो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है ना अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये जहाँ जहाँ से एक एक मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है एक एक मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन जो आता है ना वो मैं कल डिस्कस करूँगा समझ में आया तो कल अपना नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा कल अपन क्या करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वाटर जेट मशीनिंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग ठीक है केमिकल मशीनिंग फोटोकेमिकल मशीनिंग ठीक है ये जो भी छोटे छोटे जो जो एक ए, एक एक मार्क का अगर किसी से क्वेश्चन आ सकता है वो अपन कल कर लेंगे तो कल अपना नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा तो ये तो हो गया कल वाला फिर मैं परसों मैं प्लान किया हूँ एन सी सी एन सी ठीक है परसों मैं एन सी सी एन सी कराऊँगा क्योंकि एन सी सी एन सी बहुत छोटा सा टॉपिक है और वहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन आता है ठीक है बहुत अच्छे बेटे का क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन वहाँ पर आता है तो आपका परसों परसों का मतलब हो गया उनतीस तारीख को मैं कराऊंगा एन सी सी एन सी तो परसों आपका उनतीस और तीस में उनतीस और तीस में आपका एन सी सी एन सी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए वैसे तो उनतीस में ही हो जाएगा है ना और नहीं भी होता तो तीस में कर लेंगे अपन दो दिन में अपना वो हो जाएगा उसके बाद सर मेटल फॉर्मिंग हाँ मेटल फॉर्मिंग कास्टिंग वगैरह वो करवाएंगे ना मैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ले रहा हूँ फिर उसके बाद अपन जाएंगे किसके ऊपर अपन जाएंगे वेल्डिंग के ऊपर है ना वेल्डिंग के ऊपर मैं जाऊँगा वेल्डिंग के बाद मैं जाऊँगा फॉर्मिंग के ऊपर मतलब देख लूँगा कि जो भी टॉपिक मुझे ऐसा लगेगा कि कब कैसे करवाना है फिर मैंने तुमको एक ऑर्डर बता दिया दो तीन टॉपिक का मैं कल करवाऊंगा रिमेनिंग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड फिर परसों कराऊंगा एनसीसीएनसी फिर उसके बाद कराऊंगा मैं वेल्डिंग है ना फिर बाद में देखते हैं? फिर उसके बाद फॉर्मिंग इस तरीके से मैं यहाँ पे कराता जाऊंगा कास्टिंग भी होगा ऑब्वियस है जब प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट कास्टिंग में भी मेन मेन आपको यहाँ पर करवा करवा दूंगा ठीक है आ, मेरे सेशन के अंदर यार मेरे टेलीग्राम लिंक शेयर कर दो मैं बोल चुका हूँ बहुत ज़्यादा किसी ने किया नहीं अब तक ठीक है तो इस तरीके से अपन यहाँ पर करेंगे हाँ मेटल फॉर्मिंग मैं बता दिया हूँ ना जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा पूरा प्रोडक्शन ही कराऊंगा डोंट वरी हाँ कभी हो सकता है कि बीच में इमरजेंसी की वजह से मैं क्लास ना ले पाऊँ तो अभी करा दिया कुछ प्रोडक्शन फिर ब्रेक लेके फिर बाद में करा दिया कोई और सब्जेक्ट प्लान हो रहा हो लेट से है ना कोई और सब्जेक्ट प्लान हो रहा हो तो वो जैसे क्लास हो सकती है मुझे इमरजेंसी की वजह से कहीं बाहर जाना हो बाहर जाना पड़ जाए तो शायद हो सकता है कि मैं क्लास ना ले पाऊँ तो मैं फिर ब्रेक के बाद क्या करूँगा दोबारा से लूँगा अगर ऐसा हुआ तो ऐसे ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा नहीं पर हम ऐसी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि हम वन गो में कर लें हम वन गो में भी करने की कोशिश कर रहे हैं अगर नहीं होता तो प्लान बी भी, भी हमारे पास होना चाहिए अच्छा बहुत से बच्चे हैं जैसे कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आया कल एक बच्चा मेरे को फ़ोन करके बोलता है सर आ, मैं आ, जब रूम पे क्वेश्चन करता हूँ ये हो सकता है आप सब लोगों की प्रॉब्लम हो तो आप सब भी सुन लीजिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो बच्चे ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर जब मैं रूम पे क्वेश्चन करता हूँ ना तो मेरे से वर्कबुक बन जा रहा है मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहा है है ना मैं जब आपका नोट्स देखा मैं जब आपसे पढ़ा आपका वीडियो लेक्चर से पढ़ा ठीक है मैं जब आपके वीडियो लेक्चर से पढ़ा तो मुझे सब समझ में आ गया ठीक है ना मुझे सब समझ में आ गया मेरे को एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उसके बाद जब मैंने वर्क बुक किया वो मेरे से हो गया है ना मैंने जब प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन किया मेरे से वो भी हो गया मेरे से ई का भी क्वेश्चन हो गया मैंने को बहुत अच्छी बात है मेरे को प्रॉब्लम कहाँ है सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज़ में जाता हूँ ना तो टेस्ट सीरीज में मैं कर नहीं पाता हूँ तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा टेस्ट तो एक बात बताओ तुमने वर्क बुक जब किया जब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया तो तुमने बहुत टाइम लेके किया होगा तुमने एक क्वेश्चन में दस या पंद्रह मिनट ऐसे दिया होगा उसने बोला हाँ सर और मैंने कहा जब तुम टेस्ट सीरीज़ दिए तो वहाँ पे तो टाइम लिमिट होता है वहां पे तुम्हें दो घंटे या तीन घंटे में पूरा निपटाना है या मतलब एक क्वेश्चन के लिए पाँच या छह मिनट होंगे है ना तो जब तुम तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा तो तुम फिर हड़बड़ाहट में क्वेश्चन कहाँ कर पाओगे बोले हाँ तो मैंने कहा बेटा ये माइंड होता है ना ये इसकी ये मसल जो होती है ना इसकी भी मसल्स हैं जैसे जब तुम जिम जाते हो तो जिम जब जाते हो तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वहां पे क्या करते हो मसल को मसल को एक्सरसाइज करवाते हो जैसे तुम्हारे डोले शोले बने है ना फिजिक अच्छी दिखे ठीक है तुम खेलने जाते हो तो पहले प्रैक्टिस करते हो तो भाई बैट्समैन हो तो प्रैक्टिस करोगे ठीक है रनर हो तो आप रनिंग करोगे पहले हाँ रनर हो तो आप रनिंग करोगे पहले फाइनल रेस में दौड़ने के लिए समझ में आया लिंक शेयर हो चुकी है रनर हो तो आप क्या करोगे रनिंग करोगे सबसे पहले ताकि आपकी मसल स्ट्रांग बने तो बेटा ऐसा दिमाग है अब क्या करो तुम तुमने जब प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन लगा लिया ठीक है आराम से लगाया कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है वर्क बुक लगाई आराम से लगाइए कोई दिक्कत नहीं अब क्या करो जो भी तुम्हारे पास पुराने आ, टेस्ट सीरीज पड़े होंगे या पुराने कोई भी क्वेश्चन पड़े होंगे क्या करो अब टाइमर लगा के करो समझ में आ रहा है जैसे तुम्हें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना होता है तीन मिनट में या चार मिनट में तुम टाइमर लगा लो अभी पांच मिनट का ठीक है पांच या छह मिनट का टाइमर लगा लो कि मेरे को उससे टाइम नहीं देना ठीक है जब तुम घर पे ऐसे घड़ी पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी ठीक है ऐसा एक बार में तुम्हें नहीं दिखेगा कम से कम तुम्हें चार पांच बार ऐसे करना पड़ेगा चार पांच बार तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा प्रैक्टिस हो सकता है आठ दस बार करना पड़े प्रैक्टिस जब जितनी बार भी क्वेश्चन करते हो ना टाइमर लगा के करो मतलब एक बार तो तुमने आराम से कर लिया कोई बात नहीं अब जब दुबारा रिवीजन कर रहे हो लेट से क्वेश्चन कर रहे हो दोबारा से प्रैक्टिस प्रिपेयर कर रहे हो तो टाइमर लगा के क्वेश्चन करो इससे क्या होगा इससे टाइमर में भी अपने करके तो ऐसे करके तुम अपने लिए आधा घंटा डिसाइड कर लिए और आधा घंटा तुमने कितने क्वेश्चन कि होंगे भैया पांच मिनट में क्वेश्चन किया तो पच्चीस तीस क्वेश्चन तुमको करने आधा घंटे के अंदर तो अगर ऐसा तुम एफिशियंसी बना लोगे तो तुम खुद सोचो तुम्हारा एग्जाम में अच्छा आएगा तो तुमको अपने तो तो दिमाग की मसल्स को क्या देना पड़ेगा ये प्रैक्टिस देना पड़ेगा कि मुझे मिनट क्वेश्चन करना है है आप आगे बात समझो टेलीग्राम लिंक यहां पे ज्वाइन हो चुका चुका शेयर किया जा चुका है। तो जितने लोगों ने भी पे ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिएगा आज का सेशन में समाप्त करता हूं धन्यवाद और कोई डाउट नहीं रहा होगा अगर और भी कोई डाउट आता है तो कल के सेशन में फिर मिलेंगे और वहां पे अपने डाउट फिर से पूछिएगा तब तक के लिए गुड नाइट धन्यवाद